तो ये है भाई वो बस जिसका आज वीडियो शूट करने के लिए हम लोग आए हुए हैं। अगर आपको कोई छोटा मोटा फंक्शन करना है या आसपास कहीं घूमने जाना है अपनी फैमिली के साथ तो आप इसको यूज कर सकते हैं। मतलब सो गुड मॉर्निंग गाइज, गुड मॉर्निंग नहीं, गुड आफ्टरनून हो गए, गुड आफ्टरनून गाइज एंड वेलकम बैक टू दी चैनल। भाई आज का व्लॉग शुरू होना था सुबह 4 बजे, व्लॉग तो शुरू कर दिया था 4 बजे, ट्रैकिंग पे जाना था लेकिन किसी कारण से जा नहीं पाए, कुछ रीजंस ऐसे रहे कि नहीं जा पाए। और अभी फिलहाल निकल रहा हूँ मैं एक काम के लिए। सबसे पहले गाड़ियों की सेटिंग, भाई जिप्सी को लगाएंगे अंदर क्योंकि आगे की जगह हो गई है खाली अपनी आगे वाली जगह। और लेकर जाऊंगा अभी फ़िलहाल वॉल्वो, तो इसुजू निकालनी पड़ेगी, फिर वॉल्वो निकलेगी, इसुजू आगे जाएगी। ये सब सेटिंग है, राघव कर रहा है भाई गाड़ी को अंदर। भाई आराम से आराम से। तो भाई आज हम जा रहे हैं, एक किसी भाई ने बनाई है वैनिटी वैन और उसका ब्लॉग बनाने जा रहे हैं। और अपनी भी एक इच्छा है, मतलब मेरी खुद की एक इच्छा है कि मैं कोई एक ऐसी ट्रॉली बनाऊं पीछे कैंपिंग के लिए, जो अपन अपनी सुजू के पीछे उसको टो करके ले जाएं और कहीं कैंपिंग करनी हो तो जिसमें सोने की प्रॉपर व्यवस्था हो और टॉयलेट बाथरूम वगैरह हो, मतलब टॉयलेट हो, बाथरूम की तो ज़रूरत नहीं है। तो देखते हैं उस गाड़ी को, देखते हैं पहले उसके अंदर क्या क्या फ़ीचर्स उन्होंने दिए हैं, क्या क्या मतलब फैसिलिटीज़ उसमें दी हुई हैं। आज प्रॉपर डिटेल में उसका व्लॉग बनाएंगे और जमता है तो अपने लिए भी देखेंगे फ्यूचर में क्या अपने लिए क्या प्रबंध करते हैं। तो ये है भाई जिसका आज हम व्लॉग बनाने वाले हैं, पहुंच गए हम अपनी लोकेशन के ऊपर, अब देखते हैं यहाँ भाई मिलेगा। तो ये है भाई वो बस जिसका आज वीडियो शूट करने के लिए हम लोग आए हुए हैं। भारत बेंस की बॉडी के ऊपर कमल कोच की बनाई हुई, भारत बेंस की चेसी के ऊपर कमल कोच की बनाई हुई बॉडी है। और जो इसका डोर है ये हाइड्रोलिकली ऑपरेटेड है। ये डोर एक टाइम पे जब हमारी बस हुआ करती थी दिल्ली में, पापा ने जो बस बनाई थी उस टाइम पूरी दिल्ली में सिर्फ 10 बस ऐसी थी जिनका दरवाज़ा हाइड्रोलिकली ऑपरेटेड हुआ करता था, अब तो खैर बहुत कॉमन चीज़ हो गई है। और ये इसकी एम्बियंस लाइटिंग आप देखो भाई, ये कलर चेंजिंग लाइट है, यहाँ पर इसके पूरे कंट्रोल्स दिए हुए हैं, ये एक इंटरकॉम है ताकि केबिन के अंदर जो गाड़ी ड्राइव कर रहा है उससे आपको कनेक्ट करना हो तो आप इससे इंटरकॉम से उससे कनेक्ट कर सकते हैं। एक सीटिंग है रिक्लाइनर, एक सोफ़ा है आपके पास यहाँ पे, 2 सीटर 3 सीटर, 3 आदमी आराम से बैठ सकते हैं। और ये एम्बियंस लाइटिंग आप देखो, मतलब एक बढ़िया माहौल बना रखा लाइट से। एक स्प्लिट एसी इस केबिन में दिया हुआ है, ये एक्सटर्नल जो लाइट सोर्स है उससे ऑपरेट हो जाता है, मतलब आपके पास 3 ऑप्शंस हैं इसको ऑपरेट करने के लिए। एक तो गाड़ी के इंजन से ही ऑपरेट हो जाता है, दूसरा इसके अंदर एक इन्वर्टर है बैकअप के लिए उससे ऑपरेट हो जाता है, और एक्सटर्नल सोर्स आप बाहर से पावर सोर्स लगा के उससे भी इसको यूज़ कर सकते हैं। ये छोटी सी एक पेंट्री है, मतलब ये आपका डिश वॉश हो गया, ये नीचे ड्रॉर्स हो गए, ये सब ड्रॉर्स हो गए, और यहाँ पर हो गया इसका टॉयलेट बाथरूम। ये बहुत ही छोटा सा क्यूट सा टॉयलेट बाथरूम दिया हुआ है, एग्जॉस्ट है ताकि स्मेल ना रहे, एक छोटा सा मिरर है, छोटा सा क्यूट सा वॉश बेसिन है। और अंदर चलते हैं, यहाँ पर है इसका बेडरूम, डबल बेडरूम। यहाँ भी आप देखोगे बहुत ही शानदार एक एम्बियंस दे रखा है, एक स्प्लिट एसी दे रखा है, बाकी ये जो एसी के वेंट्स हैं, ये जो बस का एसी है उसके वेंट्स हैं, स्पीकर लगे हुए हैं बहुत अच्छा, मतलब एक कर्टन्स हैं प्राइवेसी के लिए, बहुत बढ़िया केबिन तैयार किया हुआ है तो 2 लोग यहाँ पर ईजिली आराम कर सकते हैं। अंदर वाले केबिन में भी अपने पास इंटरकॉम दिया हुआ है ताकि ड्राइवर से कनेक्ट करना हो तो आप यहीं से अंदर ड्राइवर से कनेक्ट कर सकते हो। चार्जिंग के लिए पॉइंट्स दिए हुए हैं। बाहर निकलते हैं अगर अपन, तो यहाँ पे भी पूरी प्राइवेसी है, पर्दे वगैरह लगे हुए हैं। इस बस को आप मतलब जब यूज़ करते हैं तो इसका जो टैरिफ है वो 100 रुपीज़ पर किलोमीटर का टैरिफ है, और अगर आप इसको मेरे थ्रू बुक करते हैं तो 20% का इसमें आपको डिस्काउंट रहेगा, 80 रुपीज़ पर किलोमीटर पे आपको ये वैनिटी मेल अवेलेबल हो जाएगी। ये पूरा ड्राइवर का केबिन है जहाँ से गेट वगैरह ऑपरेट होते हैं, सारी लाइटिंग के जो मेन MCBs हैं वो यहाँ से ऑपरेट होती हैं। तो अगर आपको कोई छोटा मोटा फंक्शन करना है या आसपास कहीं घूमने जाना है अपनी फैमिली के साथ तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, मतलब इसको ले जा सकते हैं कहीं पे भी कैंपिंग के लिए जाना है आसपास जयपुर में या नियर बाई, आप कैंपिंग के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं। प्रॉपर ये वैनिटी वैन है, मैं इसको कैंपर वैन नहीं बोल सकता, एक वैनिटी वैन है। फिल्म की शूटिंग या कोई भी एक छोटा मोटा इवेंट अगर आपको ऑर्गेनाइज़ करना है तो वहाँ पर आप इसको परफेक्टली यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार अंदर का एक एम्बियंस है। और ये बस हो गई है हमारी स्टार्ट,
और अब हम इसके सारे फीचर्स को ऑन करके दिखाएंगे, क्योंकि यहाँ से अब ये आपने MCBs ऑन कर रखी है ना सारी पीछे की, ठीक है। तो बस का जो इंटरनल AC है वो स्टार्ट हो गया भाई, ये उसके वेंट्स हैं, यहाँ से आ रही है एकदम शानदार ठंडी हवा। ये जो AC है, ये एक्सटर्नल जो अपने घर पे AC लगे रहते हैं वो वाले एक एडिशनल आपके पास सब्स्टिट्यूट के तौर पे दे रखे हैं कि अगर आपको बंद बस में चलाना हो, मतलब आपको बस के इंजन से AC ऑपरेट नहीं करना हो, तो आप इन ACs को भी यूज़ कर सकते हैं। सेम हमारे बेडरूम के अंदर ये AC के वेंट्स हैं, इसमें से हवा आनी स्टार्ट हो गई है एकदम बढ़िया। और ये वाला जो AC है ये आपको एक एक्सटर्नल दे रखा है, एक बैकअप के लिए दे रखा है, और मेन AC ये जब हमारी बस स्टार्ट होगी, चल रही होगी, उस टाइम ये वाले AC काम करेंगे। जैसा कि मैंने बताया कि ये एक अपने पास सब्स्टिट्यूट एडिशनल AC है, ये इसका मेन स्विच लगा हुआ है, यहाँ से अपन ने इसको ऑन किया, AC ऑन हो गया है, ये इसका रिमोट है, रिमोट से अपन इसको ऑन करते हैं, ये AC ये भी चल गया है। तो ये अपने पास एक एडिशनल बैकअप के तौर पर ये दो AC भी लगे हुए हैं, एक इस केबिन में मेन केबिन में और एक अंदर बेडरूम वाले केबिन में। वैसे तो ये जो मेन डोर है ये अंदर से ऑपरेट होना चाहिए, ड्राइवर के पास उसका कंट्रोल है, बट अगर आपको यहाँ से भी यूज़ करना है तो यहाँ पे इसके लिए बटन्स दिए हुए हैं, रेड बटन से ये गेट बंद हो जाएगा और ग्रीन बटन से ये गेट खुल जाएगा। हाइड्रोलिकली ऑपरेटेड है, इलेक्ट्रिकली कंट्रोल्ड है। आपकी सेफ्टी के लिए एक फायर एक्सटिंग्विशर दिया हुआ है, इन केस कोई भी छोटी मोटी, अगर बाई चांस ऐसा भगवान ना करे कुछ हो, लेकिन अगर कुछ छोटा मोटा ऐसा आग का हादसा होता है तो आप फायर एक्सटिंग्विशर अपनी सेफ्टी के लिए इसमें लगा हुआ है। लाइट के जितने भी कंट्रोल्स हैं वो टच पैनल पे दिए हुए हैं, ये लाइट ऑफ हो गई है और ये ऑन हो गई है, ये इसका कलर चेंजिंग हो रहा है, एक नंबर, दो नंबर, ये एम्बियंस लाइट है तो उसके अकॉर्डिंग ये इसकी इंटेंसिटी और कलर को कंट्रोल करने के लिए ये टच पैनल दिया हुआ है। सेम यहाँ पे भी ये टच पैनल से ऑन ऑफ हो रही है ये लाइट, और यहाँ से इसकी इंटेंसिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं, और कितनी लाइट आपको जलानी है वो यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं। ये स्पीकर्स लगे हुए हैं भाई पायनियर के म्यूज़िक के लिए, और ये सामने एक ग्लास है, आपको मतलब अपने तो ज़रूरत नहीं है, बाकी अगर आपको चाहिए हो बाल वाल करने के लिए तो भाई थोड़ी देर आराम करते हैं यहाँ पे, मज़े लेते हैं। और ये वाला जो अपना एक एडिशनल AC है इसको भी स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि गर्मी हो गई है बहुत ज़्यादा, ये हमने इसको भी स्टार्ट कर लिया। ये एक एडिशनल इमरजेंसी डोर है, इन केस ऑफ इमरजेंसी आप इस ग्लास को ब्रेक करके और यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। पेंट्री में भाई आपको एक छोटा सा माइक्रोवेव दिया हुआ है, ये टच पैनल इतना सेंसिटिव है कि हल्का सा टच होते ही लाइट बंद हो जाती है। और एक आपको ये इंडक्शन दिया हुआ है, यहाँ पे आपका डिश वॉश है बर्तन धोने के लिए, और ये सारा सामान स्टोर करने के लिए आपकी बॉटल होल्डर और बाकी ड्रॉर्स हैं। इन फ्यूचर यहाँ पे भाई एक TV हम लोग लगा देंगे ताकि आपके एंटरटेनमेंट में कोई भी कमी ना रहे, यहाँ एक TV लग जाएगा तो आप आराम से यहाँ पे सोफे पे बैठें और TV का आनंद ले सकते हैं। ये इसका एक्सटर्नल पावर सोर्स है, जहाँ पे अभी हमने इसको पॉइंट को लगा रखा है घर से वायर के थ्रू, तो एक्सटर्नल सोर्स को यूज़ करना हो तो आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। ये केबल गाड़ी के साथ ही रहती है तो आप जहाँ पे भी खड़े हैं वहाँ पे केबल को यूज़ करके और एक्सटर्नल सोर्स की लाइट भी यूज़ कर सकते हैं। तो भाई राघव की प्रैक्टिस हो गई ड्राइविंग की और अपना काम हो गया, हमने आज गाड़ी का वीडियो बना लिया। जिनसे आपको कॉन्टैक्ट करना है इस गाड़ी को बुक करने के लिए, उनका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगर मेरे थ्रू कांटेक्ट करते हैं, मेरे चैनल के थ्रू कांटेक्ट करते हैं, तो आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा, 100 रुपये पर किलोमीटर की बजाय 80 रुपये पर किलोमीटर पे आपको ये गाड़ी मिल सकती है। अभी यहाँ से निकल रहे हैं घर के लिए, इस व्लॉग को यहीं पे करते हैं एंड। आई होप आपको इस व्लॉग में मज़ा आया होगा, अगर मज़ा आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मिलते हैं आपको जल्दी किसी अगले व्लॉग में, टिल देन गुड नाइट एंड गुड बाय।